वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती मॉडल स्कूल चिट्टी रोड बेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच मैथमेटिक्स क्लास 8th एक्सरसाइज 2.2। देखिए बच्चों, आप लोग आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताया जाएगा। उससे पहले जो क्वेश्चन आपके लगे थे 4 तक, उसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हैं, वो आप लोग खुद लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें बता रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड इफ़ 8/11 माइनस की 5 मल्टीप्लाई 8/11 की पावर m इज इक्वल टू 8/11 माइनस की 2। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर अगर आपका बेस इक्वल है तो पावर जो होती है अब वो आपकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/11 की होल पावर माइनस का 5, और ये m है तो माइनस का 5 प्लस का m हो जाएगा इक्वल टू 8/11 की पावर माइनस का 2। अब हम देखेंगे इधर आपके जो बेस हैं वो आपके इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, पावर की कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का m इक्वल टू माइनस का 2। अब मुझे यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, तो m इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये माइनस का उठ के जब आप इधर जाएगा ट्रांसफ़र करेंगे इसका माइनस 5 का, तो आपका ये हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 2। तो यहाँ से m की आपकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, देखिएगा बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। इसमें आपको x/y की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 2/7 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई 14/9 की होल पावर माइनस का 6 इक्वल टू x/y की पावर माइनस का 6, ठीक है। तो इसको करेंगे हम बच्चों, देखिएगा आप लोग पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर अगर m लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है? कि ए बी की मल्टी होल पावर m। तो आपको यही वाला कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका लिखा है, 2/7 की होल पावर लिखा है माइनस का 6 मल्टीप्लाई 14/9 की पावर माइनस का 6 इक्वल टू x/y की पावर माइनस का 6। तो यहाँ पे आपका जो पावर है वो सेम है, तो पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, इस जो आपका जो बेस दिया गया इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 2/7 मल्टीप्लाई 14/9, और यहाँ पे आपकी पावर माइनस का 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इधर आपका कितना आ गया, x/y की पावर माइनस का 6। तो ये जो पावर है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, इससे 7 × 7, 7 × 2 = 14, तो 2 × 2 = कितना आ गया आपका 9, 2 × 2 = आपका 4/9 इक्वल टू x/y। तो ये आपकी x/y की वैल्यू निकल आई है। देखिएगा बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर। तो आपको जो नंबर दिया गया इसका आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो पहले हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1/2 लिखा है, यहाँ माइनस का 2 लिखा है, इस माइनस को 2 को पहले हम प्लस का करेंगे, तो इस नंबर को हम इन्वर्स करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/1 की पावर 2, डिवाइड का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे मुझे प्लस करना है, तो इस नंबर को हम इन्वर्स करेंगे, तो 3/2 की पावर प्लस का 3। अब देखिएगा आप लोग, 2 की पावर 2 ले सकते हैं, इसको 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का जो साइन दिया गया है इसमें कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसका उल्टा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/3 की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई 2/3 / 3। तो जी आपका हो जाएगा यहाँ पे 2/2 और 3 कितना हो गया, 5/3 / 3। ये आपका बच्चों आ गया, 2/5 की वैल्यू होती है 32 और 3/3 की वैल्यू 27। तो बच्चों इसको जब मैंने सॉल्व किया तब आपका ये नंबर आ गया, ठीक है। अब मुझे इस नंबर का मुझे निकालना है रेसिप्रोकल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, देखिएगा आप लोग, रेसिप्रोकल होता क्या है, रेसिप्रोकल मतलब होता है उस संख्या को हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 32/27 इज 27/32,
यह आपका बच्चों आंसर आ गया। देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वाई वार्ड नंबर शुड -3/2 बी मल्टीप्लाई सो डैट द प्रोडक्ट इज 9/8 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि -3/2 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो 9/8 2 निकल आए। तो हम यहाँ पे बच्चों लेट कर लेंगे, लेट बी नंबर इक्वल टू x। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि इसमें x का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे, -3/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9/8 2। इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो माइनस की पावर होती है तो उसको प्लस बनाने के लिए ये नंबर जो होता है उसका हम उल्टा कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -3/2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 8/9 यहाँ पे आपकी आ गई 3। अब मुझे यहाँ से एक्स की तो बच्चों देखिएगा, आप मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू ये नंबर आपका मल्टीप्लाई में दिया गया है, जब ये नंबर आपका इस साइड जाएगा तो वो नंबर आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/9 2 डिवाइड का साइन लगाएंगे, -3/2। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी नंबर डिवाइड करते हैं वो अगर वो नंबर रेशनल नंबर है तो उसका हम उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 8/9 2 और मल्टीप्लाई 2/-3/3। अब देखिएगा आप लोग, इसका मल्टीप्लाई मुझे 2 times करना पड़ेगा, 8/9 फिर 2/-3 मल्टीप्लाई 2/-3 मल्टीप्लाई 2/-3। तो देखिएगा आप लोग बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। बस अब आपको ये देखना है कि जो आंसर आपका जो आएगा वो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। तो इसमें माइनस के नंबर आपके 3 दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये 3 नंबर दिए गए हैं तो ये ऑड नंबर है, और जब भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप वो आपका नंबर माइनस का ही आता है। देखिए बच्चों, इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अगर ये आंसर आपका नहीं आ रहा होगा तो इसको आप इसके आप लोग फैक्टर कर लेना, वो पावर में आ जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सोचो कि ये आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप